शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, पार्टी अब मरियम नवाज चलाएंगी। अब देखना होगा कि पार्लियामेंट के अंदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की पॉलिसी पर कैसे अमल दरामद किया जाता है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पार्टी अब अमली तौर पर मरियम नवाज ही चलाएंगी। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल समेत तमाम सीनियर क्यादत को शहबाज शरीफ की मफाहमती पॉलिसी के बजाय नवाज शरीफ के जारहाना बयानी को तरजीह देना होगी। गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से कबल ही पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने दोपहर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल कर रखी थी, लेकिन शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मरियम नवाज की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावतनामा भिजवाया गया। राय के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपनी गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी अमूर शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल के जरिए चलाने का हुक्म दिया था, लेकिन मरियम नवाज हंगामी तौर पर मैदान में आई और सीनियर लीगी क्यादत को उनकी आवाज पर लब्बैक कहना पड़ा। एहसन इकबाल, परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक, राना तनवीर, खुर्रम दस्तगीर, मरियम औरंगजेब समेत तमाम लीगी क्यादत प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और साद रफीक ही मौजूद नहीं थे। मरियम नवाज ने इंदिया दिया कि वो बहुत जल्द लीगी कारकुनों के हमरा सड़कों पर भी निकलेंगी। मुल्क गिर एहतजाजी जलसों, रैलियों समेत गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के लिए भी मरियम नवाज ही फ्रंट फुट पर खेलेंगी। अब देखना होगा कि पार्लियामेंट के अंदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की पॉलिसी पर कैसे अमल दरामद किया जाता है।